या जो वचन मैं बांटना चाहता हूं उसका नाम है एंटीसिपेशन, प्रत्याशा। जब कोई किसी चीज के लिए बेसब्री से इंतजार करते, प्रभु यीशु ने जब वो मर कर उठे 40 दिन अपने चेलों के साथ बिताए, कितने दिन बिताए, और इस 40 दिन में प्रभु ने उनकी आंखें खोली, प्रभु ने उनको वो सारी बातें समझाई जो 3 साल में अभी तक समझे नहीं थे। और उसके बाद प्रभु ने अपने चेलों को कुछ आज्ञा दी, उसमें से पहली आज्ञा थी जाओ और जाकर पूरे संसार को सुसमाचार सुनाओ। दैट मीन्स प्रभु का जो गुड न्यूज है वो जाके सबको बताओ। जो व्यक्ति अपने आप को बिलीवर कहता है और वो रुचि नहीं रखता कि दूसरों की आत्मा बचे, शायद उसकी खुद की नहीं बची हुई है, क्योंकि जिस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर के प्रेम का अनुभव होता है उसको उसके पापों से छुटकारा मिलता है और यीशु उसको नया जीवन देते हैं, उसके दिल की चाहत और धुन हो जाती है कि दूसरे भी इस प्रभु को जानना जरूरी है, क्योंकि इस परमेश्वर के नाम में सामर्थ है, इसने मुझ जैसे पापी को बदला और इसके नाम से कोई भी बदल सकता है। तो ये गुड न्यूज है कि नहीं? तो हम आज प्रेरितों की पुस्तक पहले और दूसरे अध्याय से कहानी पढ़ेंगे। पर ये कौन से लोग हैं, ये कौन से लोग हैं जिन्होंने बोला मैं दुनिया हिला दूंगा, और आपकी दुनिया हिल रही है तब से, लेकिन 12 लोगों ने दुनिया हिला दी, दुनिया को उलट पलट कर दिया। इनके पास ऐसा क्या था कि इन्होंने पूरी दुनिया को उलट पलट कर दिया? 12 साधारण व्यक्ति, 12 साधारण लोग, 12 साधारण चेले जो डरे हुए थे, जो हारे हुए थे, जो छुप रहे थे, उन्होंने दुनिया हिला दी। उनके पास ऐसा क्या था और हमारे पास ऐसा क्या नहीं है? हम ऐसा क्या मिस कर रहे हैं? हम हर समय व्यस्त रहते हैं, प्रभु मेरा ये ठीक कर दे, प्रभु मेरा वो ठीक कर दे। प्रभु ने कहा इस संसार में तुमको तकलीफें रहेंगी, इस संसार में तुमको तकलीफें या कष्ट रहेंगे, लेकिन ढारस रखो, मैंने जय पा ली है। बट आज कलीसियों में बिलीवर सब समय परेशान है अपनी तकलीफों से, उनके सारे प्रेयर्स, उनकी सारी एनर्जी कंज्यूम होती है सिर्फ मुझे क्या चाहिए उसके लिए प्रेयर करने के लिए। हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है तू वहीं रह, पहले मेरे को मेरा पृथ्वी का ठीक ठीक कर लेने दे। हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग, किसी भी चीज को पढ़ना और उसका आपका जीवन का हिस्सा होना, इन दोनों बातों में फर्क है। हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे। तो तुम क्या करोगे? बोले हम अपनी बात नहीं कर रहे, हम आपकी इच्छा की बात कर रहे। यीशु बोले जब हम मर के उठे मैंने अपनी इच्छा अपने चेलों पर जाहिर कर दी, और जो मेरे चेलों के लिए मेरी इच्छा थी वही तुम्हारे लिए इच्छा है। लेकिन आमतौर पर बिलीवर्स को देखिए, हमको पैसों की टेंशन, हमको इसका ये, हमको करियर बनाना है। आपको पढ़ने किसी ने मना नहीं किया, अब कई लोगों मुझे अमीर बनना है, क्यों बनना है ये भी नहीं मालूम। आप इतना अमीर बन के क्या करोगे, क्या लाभ हो जाएगा? और कितने लोग हैं जिनके पास पैसा है लेकिन परमेश्वर के प्रति वो बहुत गरीब है? और आप कितने गरीब हैं या कितने अमीर है देख लीजिए, पिछले 1 साल में कितने गिरवों को आपने उठाया, या आपके पास जितने पैसे आपने क्या कभी किसी की मदद की, क्या कभी किसी गरीब को खाना खिलाया, क्या आपने किसी को परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुना? आपको मालूम चल जाएगा आप कितने गरीब या कितने अमीर हैं। लेकिन हम फिर भी एक गलत नींव रखते हैं, और हम विश्वासी तो अपने आप को कहते हैं लेकिन हमारी प्रायोरिटी गॉड नहीं है, हमारी प्रायोरिटी परमेश्वर का सुसमाचार नहीं है, हमारी प्रायोरिटी उसके काम को पूरा करना नहीं है। हमारी प्रायोरिटी है मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है सुन ले मैं पृथ्वी पर हूं, और तुम्हारी इच्छा स्वर्ग में पूरी होगी लेकिन मेरी पृथ्वी पर होगी, मुझे मेरे प्रतिदिन की रोटी दे नहीं तो मैं छीन लूंगा, जो मेरा है वो भी मेरा है, जो बगल वाले का है वो भी मेरा है, जितना मेरे पास है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं, इसने मुझे आज का भी दे और कल का भी दे, अगर तू नहीं देगा तो मैं चिंता करूंगा और मैं जीवन भर अपने आप को विश्वासी बोलकर धोखा देता रहूंगा। तू मेरी प्रायोरिटी नहीं है, मैं अपनी प्रायोरिटी हूं, और प्रभु अगर तू इसमें एडजस्ट हो सकता तो वेल एंड फाइन, यू आर इनवाइटेड इन माय लाइफ।
लेकिन जब कोई अपना जीवन प्रभु यीशु को देता है उसका मतलब ये नहीं होता है कि गो एज यू लाइक इट। जब कोई अपना जीवन प्रभु यीशु को देता है उसका मतलब प्रभु तू मेरा प्रभु है, सिर्फ मुझे आपका लहू नहीं चाहिए, मैं आपको प्रभु होने का भी स्थान देता हूं, आपके वचन मेरे लिए जीवन है, तू जो कहता है वही लाइफ है। प्रभु कहते हैं मेरे वचन जीवन है, माय वर्ड इज ट्रूथ, मेरा वचन सत्य है। तो ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जिनको जिन्होंने प्रभु से अपने ये जो रिश्ता है उसको बहुत सीरियसली लिया, प्रभु के वचनों को बहुत सीरियसली लिया और अपना सब कुछ देकर उन्होंने प्रभु के काम को आगे बढ़ाया। हम प्रार्थना करें, पहले तो मैं ये बोल रहा हूं, हम साल भर की प्रार्थना क्या करते हैं, हे प्रभु मेरा ये ठीक कर दे, हे प्रभु मेरा वो ठीक कर दे। बिल्कुल, क्या हम प्रार्थना नहीं करें अपनी निजी तकलीफों के लिए? बिल्कुल करो, क्योंकि प्रभु ने कहा मांगो और दिया जाएगा। लेकिन जब हमें कलीसिया के रूप में सब समय अपनी तकलीफों में फंसे रहेंगे तो प्रभु का काम कैसे आगे बढ़ेगा? मत भूलिए, आप तक भी किसी ने सुसमाचार लेके आया, मत भूलिए आप भी पाप में फंसे हुए थे, हम भी पाप में फंसे हुए थे, हमारे पास किसी ने सुसमाचार लेके आया। और वो कैसे बढ़ेगा? जब तक बिलीवर्स बाय इन अपने हार्ट से उस काम में एंगेज नहीं होंगे। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि ये साल फलदायक हो? आप ये साल नहीं, पूरा जीवन फलदायक हो जाएगा अगर आप कुछ बातें समझेंगे। प्रभु ने बोला कि तुम जाके सबको सुसमाचार सुना दो, और ये साल की मैं थीम दे रहा हूं आत्मा, हमें प्रभु के बारे में लोगों को बताना है, अपनी गवाही देनी है। कई लोगों ने अपनी गवाही खराब कर दी, आपको प्रभु ने कहां से निकाला, आपके साथ क्या किया, आपके जीवन को कैसे संवारा, कई लोगों ने अपनी गवाही खराब कर दी। कई लोग अपने आप से ही नहीं उभरे, उनका मैं और मैं में खत्म हो गया, मेरी तकलीफ, मेरी प्रॉब्लम, मेरा ये, मेरी वो, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा काम, मेरा ये, मुझे ऐसा, मुझे वैसा, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। लेकिन प्रभु जब उठे, उससे पहले उसने कहा कि योहन्ना तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता था, पर तुम्हें कुछ दिनों में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। मतलब प्रभु यीशु ने स्वर्ग में आरोहित किए जाने से पहले अपने चेलों से एक बात कही, तुम तब तक इंतजार करो जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम पे नहीं उतर जाता। यहां जो साधारण लोग बैठे हैं, आपका जीवन बिल्कुल असाधारण हो जाएगा जब आप पवित्र आत्मा के सामर्थ में चलेंगे। तो आपके वचन जमीन पर नहीं गिरेंगे, जब आप लोगों से बात करेंगे बातें चीर कर उनके दिलों में जाएगी, आप किसी पे हाथ रखेंगे वो चंगा होगा, आप यीशु के नाम से अपने आप बोल के दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, आप परमेश्वर के नाम का सुसमाचार प्रचार करेंगे, आपके जीवन, आपके मन में परिवर्तन आएगा, आपका जीवन पवित्र होता जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु ने सब चेलों के लिए यही आज्ञा दी है कि तुम वेट करो जब तक तुम पवित्र आत्मा के सामर्थ से नहीं भर जाओ। प्रभु कह रहे पानी में तुमको यूहन्ना ने डुबाया, मैं तुमको पवित्र आत्मा में डुबाऊंगा, मैं तुमको भर दूंगा पवित्र आत्मा से, जब तक तुम तुम्हारे अपने नहीं रहोगे तुम पूरे मेरे हो जाओगे, मैं तुमको इतना भर दूंगा पवित्र आत्मा से कि तुम पर मेरा पूरा नियंत्रण हो जाएगा, तुम मेरे वेसल बन जाओगे, तुम मेरे पात्र बन जाओगे। और हम कितने ऐसे लोगों की कहानी पढ़ते हैं जिनका परमेश्वर के साथ एनकाउंटर, देखिए मैं हमेशा बोलता हूं अगर फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत पुअर है तो सेकंड एक्सपीरियंस कुछ नहीं कर सकते। कई लोगों का अपने आप में जो सेल्वेशन एक्सपीरियंस है, उद्धार का एक्सपीरियंस है, बहुत पुअर एक्सपीरियंस है ये। उद्धार क्या चीज है? वो पहली बार परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करना, यह कोई छोटी चीज नहीं है। एक आदमी के अंदर पहली बार पवित्र आत्मा के प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करना, पिता द्वारा ग्रहण किए जाना, पापों की क्षमा मिलना, उसके ऊपर से सारे बोझ हटना, पहली बार लगना कि मेरी और परमेश्वर के बीच में सुलह हो चुकी है, वो छोटी फीलिंग नहीं है। लेकिन कई लोग की वो पहली फीलिंग ही बहुत वीक है। जब आपकी वो पहली फीलिंग, वो सेल्वेशन एक्सपीरियंस स्ट्रांग होता ना, आप भूखे और प्यासे रहते, प्रभु मुझे अपनी इच्छा दिखा, प्रभु मुझे दिखाइए मैं क्या कर सकता हूं, ये जीवन किस लिए, मेरे जीवन का मतलब क्या है। कई लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस ही बहुत पुअर है। मेरे तो उद्धार ने मेरे होश उड़ा दिए, मुझसे तो किसी ने टेबल पर, एक काउंटर पर खड़ा होकर अपनी, जब
उसने मुझसे बात करना चालू किया। देखिए मैं अपनी कहानी बता सकता हूं, मुझे तो मेरे सामने तो प्रभु ने मेरा जीवन खोल दिया। और देखिए प्रभु जानते हैं किससे कैसे बात करना है। बचपन से मुझे डर था कोई देखता है। और मेरे उद्धार होने के 2 महीना पहले मुझे मालूम था मेरे जीवन पलटने वाला है। मुझे कैसे मालूम था? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे को मालूम था कि हमने समय से पहले किस्मत से ज्यादा सब कुछ कर लिया। हम खोजी थे, क्या थे हम? बचपन से कुछ खोज रहे थे, हमें कुछ चाहिए। लेकिन शालोम आ गया मेरे जीवन में, क्योंकि मेरे पास वो सारी सुख सुविधाएं थी जिनके लिए लोग अपना पूरा जीवन दे देते, लेकिन मेरे जीवन में शांति नहीं थी। मेरे दिल में दोष था, मेरे दिल में मुझे दंड का महसूस होता कि मैं पनिश्ड हूं, मैं परमेश्वर से, मुझे लगता था मैं श्रापित हूं, मैं परमेश्वर से कटा हुआ हूं। लेकिन जब वो उस व्यक्ति, उस साधारण से व्यक्ति ने, उस परमेश्वर के दास ने जब उसे सुसमाचार भी नहीं बांटा, मैं खुद देखता हूं, जब जिस दिन प्रभु ने मेरे जीवन को बदला उस दिन उस आदमी ने मुझसे सुसमाचार भी नहीं बांटा। परंतु जब वो बातें करा तो उसने बोला तुम्हारे और मेरे बीच में प्रभु यीशु, मेरे आंख के सामने मेरा पूरा, जैसे प्रभु ने कुछ सेकंड्स में मुझे मेरी पूरी लाइफ दिखा दी। कुछ सेकंड्स में परमेश्वर ऐसा कर सकता है, महिमा में ऐसा होता है। प्रभु ने कुछ सेकंड में मेरा पूरा जीवन बचपन से मुझे दिखा दिया। मैं वहां खड़ा था, ओ प्रभु मुझे एक मौका दीजिए, मैं ऐसा जीना नहीं चाहता, एंड आई मेंट इट। जब मैं उन बातों को बोल रहा था आई मेंट इट, मैं ये जीवन ऐसे जीना नहीं चाहता, सेव माई सोल। और इसलिए बोलता जब फर्स्ट एक्सपीरियंस पुअर है, बाद के सारे एक्सपीरियंस बहुत पुअर हो। लेकिन जब आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत स्ट्रांग है, देखिए बॉन्ड अगेन एक्सपीरियंस होता है। मैं कई लोगों के बॉन्ड अगेन एक्सपीरियंस पे क्वेश्चन उठा रहा हूं। आपको कुछ अच्छा लग गया होगा, कुछ थोड़ी फीलिंग आ गई होगी, सिर दर्द ठीक हो गया होगा, कभी आप गिर गए होंगे, या आपको चर्च में कुछ गाने पसंद आ गए होंगे। इसको नया जीवन नहीं बोल, नया जीवन का मतलब है पुराना खत्म हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि संघर्ष खत्म हुए, नहीं, संघर्ष तो चलते रहेंगे, लेकिन नया जीवन का मतलब है पुराना बिल्कुल खत्म हो गया। मुझे मेरी प्रार्थना याद है, मैं अपने मन से चीख रहा था आओ प्रभु मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना, मुझे ये भी नहीं मालूम था नया जीवन मिलता है। मेरे आंखों में आंसू थे, और जब उस व्यक्ति ने मेरे ऊपर हाथ रखा, मैं वहां से निकला हूं और मैं अपने आप को नहीं पहचान पा रहा मैं हूं। लगा जैसे सब कुछ बहुत सुंदर हो गया, चिड़ियों की आवाज कितनी अच्छी लग रही है, घास हरी लग रही है, आसमान नीला लग रहा है। पहली बार उस शांति का अनुभव, इसलिए वो शांति जो समझ के परे, वो आनंद जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज यदि आप अपना जीवन प्रभु यीशु को दे, आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं, वो शांति जो शब्दों में प्रकट नहीं की जा, कोई समझा नहीं सकता। अगर आप समझा दे तो आपने अनुभव नहीं किया, क्योंकि कितने साल बाद आपको अनुभव हुआ मालूम नहीं, लेकिन जब पहली बार उस अनुभव को हुआ आप शब्दों में बता नहीं पाएंगे ये फीलिंग क्या होती है, ये मेरे अंदर क्या हो रहा है। मेरे हाथ पहली बार आपको अपनी आत्मा में आजादी का अनुभव हुआ। और कई लोग जब प्रभु को बोलते प्रभु मुझे एक मौका दे मैं ऐसा जीना नहीं चाहता, कई लोग जो रोके वेदी पर आते उनका मतलब होता है आई एम डन, आई एम फिनिश्ड, मैं एक पाप में किसी व्यभिचार के लिए या सिगरेट पीने के लिए, मैं सिगरेट पी, मैंने क्या नहीं किया। लेकिन उस एक पल में परमेश्वर ने मुझे अंदर से बदल के बिल्कुल नया कर दिया, क्योंकि वचन कहता है जो मसीह यीशु में एक नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई सब कुछ। वो पावरफुल एक्सपीरियंस कि मैं घर गया मैं पागल हो रहा हूं, ये क्या हो गया मेरे साथ। मैं एक हफ्ते बाद फोन करता हूं, बोले मुझे जीसस के बारे में सबको बता। और उन्हीं कामों के लिए जिसके लिए मैंने संघर्ष किया, जितने बार मेरे जीवन में वो इनफिलिंग आती गई, परमेश्वर ने अपने आत्मा से भरा, परमेश्वर ने जबरदस्त चमत्कार मेरे जीवन के द्वारा किए। देखिए जीवन के अंत में, साल के अंत में आदमी अपने आप से पूछता है क्या खोया। कई लोग तो बोलो बच गए भाई भाई, फिर देखते हो सामने ये भी है, ये जीवन है। लेकिन साल के अंत में आदमी देखता ना क्या खोया क्या पाया। आप जीवन के अंत में भी यही देखोगे, जाते जाते सब विश्वासी बन जाते, प्रभु ने आपको जीते जी बनने बुलाया, आपकी प्लेन क्रैश हो रहा, आप भाषाओं में प्रार्थना करने लग जाओगे जितने बड़े नास्तिक हो आप। बड़े बड़े नास्तिक का मुझे ओ माय गॉड निकल जाएगा। एक बार एक आस्तिक और नास्तिक की डिबेट हो रही,
तो आस्तिक ने जो जो प्रभु के लिए बोला था उसने सब बोल दिया। जब नास्तिक वाला आया तो उसके नोट्स खो गए, बोलता ओ माय गॉड, बोला डिबेट खत्म हो गया, अब क्या डिबेट बाकी है, तुम इतने बड़े नास्तिक हो लेकिन तकलीफ में तुम्हारे मुंह से निकल गया ओ माय गॉड। तो हर कोई अपने जीवन का एक अच्छा मतलब निकालना चाहता है, और साल के अंत में आदमी पूछता है क्या क्या हमने क्या कर लिया, ऐसा क्या पाया इस जीवन, क्या कर लिया। लेकिन जिसको हमने जीवन दिया यदि उसी के वचनों में हमारा जीवन खरा नहीं है तो फिर उस जीवन का मतलब क्या है। इसलिए बोल रहा हूं जबकि कई कई लोग जब देखिए जब जब हम प्रचार करते हैं और उसके बाद बोलते हैं आप में से कितने लोग जीवन देना चाहते हैं, या किसी भी प्रचार के बाद किसी को अच्छा लगता है वो आके वेदी पर आ जाता है, वेदी पर आने से जीवन नहीं बदलता है, मोटे मोटे आंसू गिराने से जीवन नहीं बदलता है। जब परमेश्वर का वचन किसी के दिल में चला जाता है वो फल लेके आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर परमेश्वर का वचन काम कर जाता है, बोलता नहीं 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 मैंने मैंने जो जैसा जी लिया अब मैं इस पापमय अवस्था में और जीना आई एम डन विथ इट, मेरा पुराना जीवन खत्म हो चुका है। और मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपका पुराना जीवन खत्म हो गया, तब तो हम स्वर्गराज के और नए जीवन की बात करें। देखिए आप अपनी स्टोरी चलाइए, आंख के सामने अपनी मूवी चलाइए, अपने जीवन को देखिए कब आप प्रभु में आए और क्या है आपके संघर्ष। कई लोगों के संघर्ष खाने और पीने के संघर्ष, पैसों के संघर्ष, बस यही उनकी लाइफ है। जैसे इसराइलियों के संघर्ष उस 40 साल निर्जन प्रदेश में थे, वो लड़ रहे थे, वो परमेश्वर से लड़ रहे थे, और 10 बार उन्होंने विद्रोह किया, 10 में से 5 बार खाने और पीने के लिए था। ये बिलीवर्स का स्ट्रगल नहीं, क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा पिता जानता तुम्हें किन बातों की जरूरत। तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। जिसके लिए लोग काम करते तुमको यूं ही मिल जाएगी, मैं तुमको प्रोवाइड करूंगा क्योंकि वो वफादार है। लेकिन कैसे मालूम चलेगा, जब तक आप अपना भार उस पर नहीं डालोगे तो कैसे मालूम चलेगा, जब तक पुराना खत्म नहीं होगा। तो कई लोग तो अपने अपने पास से ही स्ट्रगल कर रहे, लेकिन एक क्रिश्चियन के लिए उसका पास तो खत्म हो गया, एक बिलीवर के लिए उसका पास खत्म है। 2018 खत्म, उसमें कुछ नहीं है। वैसे मेरा पुराना जीवन खत्म है, उसमें कुछ नहीं है। और कई लोग बोलते हैं मैं जानता हूं तुमने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को पास है ही नहीं, मैंने कहा किताब खाली है, मैंने जो भी किया कुछ है ही नहीं, परमेश्वर को याद दिए तुम क्यों याद रख रहे हो। ऐसे बताए वचन कहते जब परमेश्वर ने किसी को धर्मी ठहराया तो कौन उस पर दोष लगा सकता, कौन कंडेम कर सकता, कौन सा शैतान आके बोल सकता तुमने यह किया, जब परमेश्वर बोला मैंने तुमको माफ। अब मैं वही बोल रहा हूं कि आपका वो पहला एक्सपीरियंस बहुत वीक है क्या, लेकिन अगर पहला एक्सपीरियंस बहुत स्ट्रांग है तो दूसरा और पावरफुल होगा, क्योंकि पहले आपकी प्यास बुझती है लेकिन आप और प्यासे हो जाते हैं। यीशु कहते जो प्यासा है वो मेरे पास आओ, जो प्यासा है। और अगर तुम बिलीव करोगे कि स्क्रिप्चर यीशु के बारे में क्या बोलते, बोले मैं तुमको भर दूंगा ऐसा कि तुम अभी प्यासे हो लेकिन तुम्हारे अंदर से झरना बहेगा, तुम ब्लेसिंग बन जाओगे, तुम्हारे अंदर जो कुआं वो टूट के वो झरना बन जाएगा, वो फुआरा बन जाएगा, वो नदी बन जाएगी, तुम्हारे अंतस्थल से संजीवन जल की नदी बह पड़ेगी। तो बोले क्या, बोले मैं तुमको तैयार करना चाहता हूं, तुमको माध्यम बनाना चाहता हूं। लेकिन कौन आता है, वही आता जो प्यास है। प्रभु इन्विटेशन दे रहे जो प्यास है इधर आओ, जो प्यास है यीशु के पास आओ। और वही क्वेश्चन है क्या है हमारी प्यास। ये गाना मैं प्यासा हूं तेरे लिए गा देना इनफ है। तब उन्हें कहा प्रेरितों की पहले अध्याय पद संख्या 8 में, और फिर तुम पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पे उतर जाएगा तो, और तुम मेरे गवाह बन जाओगे यरूशलेम में, यहूदा में, समरिया में और पृथ्वी के छोर तक। क्यों आप लिमिटेड हो, क्यों आप दिल्ली तक सीमित हो। प्रभु आपको एशिया के छोर तक ले जाए, अफ्रीका तक ले जाए, अमेरिका ले जाए, नहीं। जब आप में पवित्र आत्मा का सामर्थ आता आप लोकल नहीं रह जाते, आप थोड़े इंटरनेशनल हो जाते, तब आपकी हदें टूट जाती है, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरा व्यक्ति हदों में नहीं जीता है। तब प्रभु की योजना आपकी योजना बन जाती है, आपकी बाउंड्रीज बड़ी हो जाती, परमेश्वर के आप वेसल बन जाते, उसके हाथ के माध्यम बन जाते। लेकिन मैं आनंदित हूं क्योंकि आनंद अंदर से आता है, खुशी बाहर से आती है। आनंद तब आता है जब आप उस जीवन में जो परमेश्वर ने आपको दिया आपको उसमें आनंद है। आप हर तकलीफों पर जय पालोगे, आप हर संकट से निकल जाओगे, और लोग संकट में आएंगे आपके पास और पूछेंगे तुम्हारे पास क्या है जो मेरे पास नहीं है।
वचन कहता है, और वो एक मन होगा, लॉर्ड वी आर डेस्परेट, प्रभु भूखे हैं प्यासे, अपनी आत्मा से, प्रभु अपने आत्मा से भरी। और मैं यही बोल रहा हूं, हमारे प्रेयर की थीम्स चेंज होनी है, प्रभु अपने आत्मा से भरिए, प्रभु आपका मूव चाहिए। आप प्रभु वैसे ही बुला रहे पूरे चर्च को, बोले प्रॉमिस सबके लिए है, ये पीटर के लिए भी है, ये पॉल के लिए भी है। जब आप प्रभु से मांगोगे, क्या मांगोगे? वही मांगोगे जो उसने वादा किया। और जब फिर विश्वास इकट्ठे, प्रभु अपने प्रॉमिस को फुलफिल करिए। आपको और हमको परमेश्वर पर प्रेशर डालना होगा कि प्रभु आप फेथफुल हैं, अपने वादे को पूरा करिए। कई बार सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि विश्वासी खुद नहीं जानते उनको क्या मांगना है, लेकिन ये विश्वासी बाइबल कहते हैं वो एक मन हो, मैं सब बोले एक मन, एक मन हो, एक मन, एक मन, भूखे प्यासे, गॉड हमें आपका सामर्थ। मैं उसी ने कहानी पढ़ा था, एक आदमी बोलता कि वो ऑफिस जा रहा था, लेकिन उसके अंदर ऐसी भूख, ऐसी तड़प, ऑफिस जाते थे जंगल में चला गया। अब बोले वहां घुटनों पे आके प्रार्थना कर, प्रभु आप मुझे अपने पवित्र आत्मा से भरिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मुझे भरिए, मुझे भरिए। अब आदमी बोलता है प्रभु ने ऐसा भरा, मैं घंटों बैठ के रो रहा था, उसके बाद से वो जिससे बात कर रहा था वो आदमी रो रहा था, वो जिससे बात कर रहा था वो आदमी अपने घुटनों पे आ रहा। कहानी है जॉर्ज विटफील्ड बोल के, वो आदमी 30,000 लोगों को अपनी आवाज से खाली प्रेस, उस समय माइक और कोई हमारा साउंड सिस्टम नहीं होता, लेकिन वो 30,000 लोगों में से बोले 30,000, कितनी जोर आपकी आवाज, आप चिल्लाएंगे कितने लोगों तक पहुंच सकते। तो एक आदमी ने बोला आओ मैं इसका मजाक उड़ाऊंगा, मैं जाके वहां हॉर्न बजाऊंगा। तो जैसे कि हॉर्न बजाने इसने एक पंक्ति बोली, ऐसे बोली वो पीछे गिर गया। तो उसी शहर में बार में एक आदमी बोला, उसकी कॉपी कर रहा था, तो हाथ में बाइबल लिया और जैसे वो बोलता बोला पश्चाताप करो, और उसके बाद उसके मुंह से कुछ निकला नहीं, उसने बाइबल बंद की, उठ के वहां से चला गया और उसने रो के अपना जीवन प्रभु को दे दिया। साधारण लोग, लेकिन उनकी भूख और उनकी प्यास सही चीजों के लिए, गाले प्यासा हूं तेरे लिए। जरूरी नहीं है प्रभु से कुछ और पवित्र आत्मा मांग रहे, बस गाना अच्छा है हम गा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग की भूख और प्यास, और फिर वो परमेश्वर पे प्रेशर क्रिएट करते, अपने प्रॉमिस को फुलफिल करिए। वचन कहता है वो एक मन होके पवित्र आत्मा के एंटिसिपेशन में बैठ गए। क्या हमको वही सीजन चाहिए? बट हमको प्रभु की उपस्थिति में आके उससे मांगना है, लॉर्ड वी आर हंग्री एंड थर्स्टी फॉर यू, हम प्यासे आपके लिए, हम प्यासे आपकी उपस्थिति के लिए, हम प्यासे आपके नए काल, प्रभु मुझे माध्यम बनाइए, प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहते। ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए, प्रभु सबको, क्योंकि सब देह के अंग है। लेकिन जब प्रभु कहता है जब पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम पर उतर जाएगा, तुम गवाह बन जाओ, तुम जो भयभीत हो, तुम जो डरे हुए हो, तुम जो शाई हो, तुम जो इंट्रोवर्ट हो, बोले ये सब चेंज हो जाएगा जब तुम, फिर जब तुम अपने आप मेरी गवाही दोगे और लोगों के जीवन में इफेक्ट पड़ेगा, तुम पावरलेस नहीं रहोगे, तुम होपलेस नहीं रहोगे। चलो, फिर वो एक मन होकर प्रार्थना में लगे रहे, प्रभु के चेले और वो सारी औरतें, मरियम जो प्रभु की मां थी, यीशु की मां, और उसके भाई। अब वचन कहता है दूसरे अध्याय में पत्संग किया, और फिर जब पेंतेकोस्त का दिन आ गया और वो एक साथ एक जगह प्रार्थना कर रहे थे, अचानक से स्वर्ग से आवाज हुई और एक हवा बही और वो स्थान भर गया जहां वो बैठे थे, और उन सब के ऊपर आग की जीभ आ गई। जीभ में आग होना मतलब आपके आपके बातों में सामर्थ होना, आपके गवाही में सामर्थ होना, आपके प्रचार में सामर्थ होना, आप किसी से कुछ शेयर करो उसमें सामर्थ होना। परमेश्वर इतनी आग से, वचन कहता है कि आग की जीभ उन पर आ गई जहां वो बैठे थे, और वो सब पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषाओं में बात करने लगे, जैसे आत्मा ने उन्हें अटरेंस दिए, मतलब जैसे आत्मा ने उनसे उन्हें प्रेरित किया। मेरा पहला क्वेश्चन, क्या आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस वीक है? तो लोग अपने पहले प्रेम को क्यों भूल गए? प्रभु यीशु तो बुला रहे अपने पहले प्रेम के पास वापस आओ। बोले नहीं, वो मेरा प्रेमी है, मेरी प्रेमिका है। प्रभु बोले मैं अपनी बात कर, अपने पहले प्रेम के पास लौट के आओ।
याद करो उन प्रोमिसेस को जो तुमने दिए थे मुझे, नहीं प्रभु मैं अपना जीवन आपको देता, मैं आपके लिए जीऊंगा, तेरे सामने झुकता हूं, तेरे आगे रोता हूं, मेरे हर दिल की हर एक बात तू जानता है, तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। गाना अलग है, सच्ची आराधना अलग है। गाना गाने में अच्छा लगता है, सच्ची आराधना में गाना गाते गाते जीवन बदल जाता है, और आदमी जो बोलता है वही उसका जीवन बन जाता है। तो अगर हम वो जो गाते हैं वही हमारी लाइफ है अगर, तो फर्क होता है। प्रभु की उपस्थिति के बिना जीना पाप है, क्योंकि जहां प्रभु की उपस्थिति थी वहां मेरे ही प्लान है, मेरे ही तरीके हैं, मेरी सोच है, मेरी सपने, मेरी आकांक्षाएं हैं। लेकिन जहां प्रभु की उपस्थिति वहां प्रभु का प्लान है, प्रभु का पर्पस है, प्रभु की योजना है, प्रभु के तरीके हैं, प्रभु क्या चाहते करना वो है। और हमें नहीं कर ले ऐसी सेवा जहां प्रभु का सामर्थ्य नहीं, हमें नहीं देना ऐसा प्रचार जहां प्रभु का सामर्थ्य, हमें नहीं देनी ऐसी गवाही जहां प्रभु का सामर्थ्य नहीं हो। आज अपने आप से सवाल पूछना है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन का उद्देश्य है? और मेरा सवाल है, कितने लोग ऐसा बोल सकते हैं यहां बैठ के कि नहीं परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन का उद्देश्य है? और हम कितने ऐसे काम कर जाते हैं जिनमें परमेश्वर है ही नहीं। लेकिन वचन कहता उस दिन 120 लोग वहां बैठे हुए थे, कौन थे वो? 11 चेले थे, 12वां तो चोर था। वो 11 चेले थे, बाइबल कहती है वो 70 लोगों को यीशु ने भेजा था अधिकार देके, वो 70 भी वहां होंगे। वहां मरियम थी जो यीशु की मां थी, वो दूसरी मरियम भी थी जिसने यीशु को देखा था, जरूर मरियम, मार्था और लाजरुस भी होंगे, यीशु के भाई बहन थे। यीशु के भाई बहन मतलब और जो बेटे बेटी मरियम के द्वारा हुए, याकूब, जोसेफ, सिमोन, यहूदा। फिर बाइबल कहते हैं यीशु जहां जा रहे थे, जाते थे तो वहां औरतों का झुंड भी उनके साथ जाता था, जो उनकी जरूरतों में उनकी मदद करती थी। तो वो जरूर वो औरतें भी वहां होंगी, वो कोड़ी भी होगा, वो लकवा मारा इंसान भी होगा, वो अंधा भी होगा, वो इमोस में जो दो लोग जा रहे थे वो भी होंगे, वो भी घूम के पलट के सीधे यरूशलेम आए थे, वो भी होंगे, ज़कियस भी होगा, निकोदमस भी होगा। लेकिन वचन कहता वो एंटिसिपेशन में थे, वो वेट कर रहे थे, प्रभु इस सीजन में हमको बुला रहे, वेट कर, और पूरे अपने चर्च को मैं भरूंगा, और मैं तुमको इस्तेमाल करूंगा। ये साल है फलदायक होने का, ये साल है उसके साथ राज्य करने का, उसके योजनाओं में आगे बढ़ने का। एंटिसिपेशन क्या होता है? प्रतिआशा, जब आप किसी चीज का बहुत बेसब्री से इंतजार भी करो और आपको मालूम है ये होने वाला है, ये भी होने वाला है, आप बहुत आनंद से उसके उस चीज के लिए वेट करते। और उन्होंने इंतजार किया, वो एक साथ लगे रहे, एक मन में, सब कुछ छोड़ दिया। नंबर वन प्रायोरिटी प्रभु की आत्मा से भरना है, प्रभु अपना प्रॉमिस फुलफिल करिए। आज यहां अगर हम इसको अपनी प्रायोरिटी में, नंबर वन प्रायोरिटी मुझे अपना प्रार्थना के कक्ष में जाना है और मुझे प्रभु की आत्मा से भरना है, प्रभु क्या बोल रहे हैं मुझे वो सुनना है। और मेरे जीवन में जितने काम हुए ऐसी समयों के बाद, ऐसी समय जब मैं एक सीजन भूखा प्यासा होकर प्रभु की उपस्थिति में, और प्रभु कुछ ऐसा करते हैं, फिर उसके बाद एक नए द्वार खोलते हैं, नए कामों को अंजाम देते हैं। क्या आप चाहते हैं आपकी हदें बढ़े? प्रभु बुला रहे आपको पवित्र आत्मा से बढ़ने के लिए, प्रभु बुला रहे, इन्विटेशन दे रहे, बोले गुप्त में मेरे साथ तुम बैठो, तुम एक मन, कलीसिया पूरी एक मन हो जाए, मैं एंटिसिपेट करे कि मैं इनके बीच में काम करूंगा। उनका डिजायर था वो प्रॉमिस का वेट कर रहे थे, कोई लड़ाई नहीं, कोई बात नहीं, कोई आपस में बहस नहीं, बट प्रार्थना है, क्योंकि ऑप्शन नहीं था, ये कमांड था, ऑप्शन नहीं। अगर आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे, ये ऑप्शन नहीं है कि आप या तो भरा हुआ जीवन जी लो या सूखा जीवन जी लो, ये ऑप्शन नहीं है, ये विश्वासी के जीवन में ऑप्शन नहीं है। प्रभु का कमांड है पवित्र आत्मा से भरे रहो, और वो हमको टाइम टू टाइम हमको चाहिए कि हम पवित्र आत्मा से भर जाए। क्या होता है जब आदमी पवित्र आत्मा से भर जाता है? उसका प्रेम बढ़ जाता है प्रभु के लिए, उसका प्रेम, उसका सैक्रिफाइस बढ़ जाता है, उसके अंदर आग जलने लगती है, उस वचन की आग, वो अपने अंदर वो ले नहीं सकता है,
वो लोगों से बांटने लगता है, उसके जीवन में सुपर नेचुरल पावर आता है, गॉड का सामर्थ आता है, परमेश्वर अपने सामर्थ से भरता है, उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा हो जाता है, उसकी प्रार्थनाओं में आग लग जाती है और पवित्र आत्मा की सहायता से वो घंटों तक, क्या आप घंटों तक प्रार्थना करना सकते हैं? जब पवित्र आत्मा के, पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई देगा और आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप दुआ करने लगेंगे, आप प्रभु के वचन पर भरोसा करने लगेंगे, आप पाप पर जल्दी विजय पाने लगेंगे, आपके चरित्र में बहुत जल्दी बदलाव आने लगेंगे, आप उसकी आज्ञा पालन में आगे बढ़ने लगेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, प्रभु का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। और किसी को मांगना है क्योंकि उसके बिना मिलता नहीं है। मतलब कैसे मांगे? उस सूबेदार की तरह मांगिए जो मंदिर में मांग रहा था। उसने 7 शब्दों की प्रार्थना की, सामने वाले ने 35 की, लेकिन उसकी इच्छा क्यों? क्योंकि अपनी उसके दिल की चाहत थी कि प्रभु आप दीजिए आए। और यही होता है जब आपको, आज अगर आपको और मुझे इस बात का एहसास हो जाए कि परमेश्वर के सामर्थ के बिना हम कुछ नहीं, प्रभु के पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ नहीं, हम एक सूखी हड्डियों का ढेर। आप प्रभु पूछ रहे क्या ये हड्डियां जी सकती है? हाँ, यस, मैं जीवन डालूंगा। यदि किसी को एहसास हो जाओ क्या बेवकूफों वाला जीवन जी रहे, कितनी डल लाइफ है, और रात को क्लबों में जाने से और स्मार्ट बन के रस्तों में निकलने से किसी की लाइफ या पैसा पॉकेट में होने से बहुत इंटरेस्टिंग नहीं हो जा, कितनी डल लाइफ है, मेरे लाइफ में गॉड नहीं, मैं बिलीवर तो हूं लेकिन मैं कितना सूखा हूं, मैं पवित्र आत्मा से नहीं भर। किसी को इस बात का एहसास हो जाए, पवित्र आत्मा आपको अंदर से कन्विक कर ले, आप भूखे प्यासे हो जाएंगे, आप बोलेंगे नहीं मुझे पवित्र आत्मा से, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, जैसे मूसा ने उस जलती झाड़ को देखा था, मुझे वैसे परमेश्वर के दर्शन करने। तो फिर प्रभु ने वेट करो, वेट वेट आसान होता है, लेकिन जब आपको कोई चीज बहुत डेस्परेटली चाहिए आप वेट करना सीख जाते, आप डेली बैठना सीख जाते, वेट कर, मतलब हम किसी का वेट नहीं कर, लेकिन जब आपको मालूम है वेट किए बिना कुछ है नहीं, आप वेट करने लग जाते, आप इंतजार करते हो, प्रभु अपना प्रॉमिस पूरा कर, प्रभु अपना प्रॉमिस पूरा कर, प्रभु आपने जो बोला है आप उसको पूरा कर। इतने लोग के अंदर आग लग रही है, भूख बढ़ रही है, आप दिखाएंगे, हमको प्रार्थना कक्ष में जाना, अभी कुछ नहीं करना, हमको प्रभु की उपस्थिति में जाना है और प्रभु आपके जीवन को अपने महिमा का पात्र बनाए, प्रभु आपको बाहरी रूप से इस्तेमाल करेंगे, जो आप नहीं सोच सकते वो आपके जीवन में संभव हो जाएगा। लेकिन आप ये तब तक नहीं होगा जब तक आप भूखे और प्यासे होकर उससे मांगने नहीं लगे, जब तक आपको समझ में आएगा और कुछ करने के लिए है, और कहीं जाने के लिए है, और कुछ अब बोलने के लिए है नहीं। चेलों को मालूम था अब हमको ये प्रॉमिस चाहिए, इसके बिना हम कुछ नहीं है, हम वीक डिफीटेड बिलीवर्स है। देखिए मुझे बहुत खराब लगता है जब मुझे कभी कभी वीक लगता है, और वीक स्ट्रांग ऐसे नहीं होता मैं कितनों को दबा सकूं। वीकनेस होती है जब आदमी पावरलेस फील करता है, लेकिन वचन कहता है फिर तुम में सामर्थ उतरे, जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तुम पे सामर्थ उतरे, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाए। क्यों? क्योंकि आप इन्फ्लुएंस में है, वैसा बोले इन्फ्लुएंस, जब एक शराबी शराब की बोतल पूरी गटक लेता है वो किसी चीज के इन्फ्लुएंस में होता है, उसका अपना काबू चला जाता है और अब जो चीज उसके अंदर है उसके प्रभाव से वो चलने लगता है। उसी तरह जब एक आदमी पवित्र आत्मा से भर जाता है वो परमेश्वर के आत्मा के इन्फ्लुएंस में होता है, आप वो बोलोगे जो वो बोल रहा है, आप वहां जाओगे जहां वो लेके जा रहा है, आप वो करोगे जो वो चाहता है कि आप करो, और आपकी लाइफ बहुत डिफरेंट हो जाएगी। वो कहते ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा, पर मेरी आत्मा के द्वारा। तो जो प्यासा है वो है, और हम गाते प्यासा हूं जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूं तेरे लिए। ये शब्द भजन संहिता से लिए हुए, गाने वाला कहता है कि मैं इतना इतना प्यासा हूं आपकी प्रेजेंस के लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए
प्यासा मैं भी हूं तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। बाइबल कई जो वादा है, कई लोगों ने उसको इतना सीरियसली लिया, लेकिन उसके लिए भूख चाहिए, प्यास चाहिए। बाइबल कहते कई लोग ऐसे हैं, वो कहीं जाए तो लोग रोने लग जाएंगे, बोले आपकी उपस्थिति हमको पाप के लिए कन्विक्ट करती, हमको दोषी महसूस हो रहा है। उसने कोई प्रचार नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो ट्रेन में जाके बैठा, सामने दौरत रोने लगी, पर तुम्हारा चेहरा देख के हमको अपने पाप का दोष फील हो रहा है। किसी को नेचुरल से आगे बढ़ने, अपने रोज के जो चीजें हैं जो हमारे ध्यान को भटका देती है, और देखिए हम ऐसे समय में हैं जहां ध्यान को भटकाने वाली कितनी चीजें, जीवन साधारण नहीं है ना, जीवन साधारण है, हजार जगह हमारा आकर्षण, हमारा ध्यान सब जगह बटा हुआ है। लेकिन जब आदमी किसी चीज के लिए बहुत भूखा प्यासा डेस्परेट होता है ना, उसके कई लोग होते फास्टिंग कैसे करते हैं, हम बोले कभी कभी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आती है ना, ये कभी कभी ऐसी जरूरत होती है, तुम्हारी भूख अपने आप मिट जाती है, तुमको फास्टिंग करना कोई नहीं सिखाएगा। कभी कहते ना खाना देख के लाला चारा मुंह में पानी आ रहा है, ऐसे कर रहे हैं, कभी कभी अंदर से भूख चली जाती है, आई एम डेस्परेट, प्रभु मैं भूखा हूं, अभी नॉर्मल चीज नहीं चलेगी प्रभु, नॉर्मल लाइफ ऐसे नहीं चल सकती, सर्कमस्टेंसेस जैसे उसको रहने दीजिए, मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए। यीशु के मरने से हमको माफी मिली है, यीशु के जी उठने से हमको नया जीवन मिला है, लेकिन यीशु के स्वर्ग में जाने से हमको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिल सकता है। और वचन कहते हैं और उन्हें अभी तक यीशु को महिमा नहीं मिली थी, इसलिए पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। जब जब यीशु को महिमा मिलेगी वहां पवित्र आत्मा उतर जाएगा। क्या आप अपने जीवन में और खासकर इस साल में चाहते हैं कि एक नया काम हो? क्या आप चाहते हैं? क्या प्रभु को कहना चाहते हैं कि मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मेरी प्रायोरिटी गलत थी प्रभु, मैं गलत जगह मेरा ध्यान था, मैं अपना ध्यान आपकी ओर केंद्रित करना चाहता हूं, मैं याद करता हूं कि आपने मुझे जीवन दिया, ये जीवन आपका है, लॉर्ड आई वॉन्ट टू सर्व यू। बोले प्रभु कैसे सर्व करूं? बोले जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुम पर उतरेगा। प्रभु मैं कैसे आपकी सेवा करूं? जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुम पे उतरेगा। प्रभु मैं क्या सीखूं? जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुम पे उतरेगा। प्रभु क्या रिक्वायरमेंट है? जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुम पे उतरेगा तुम मेरे गवाह बन जाओ।